कुलदीप हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी की सरकार के ध्यान में है ये बात, क्योंकि अनलॉक का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें जबरदस्त लापरवाहियां अभी से नजर आने लगी हैं, और ये लापरवाहियां भी संक्रमण को बढ़ाएंगी, घातक साबित हो सकती हैं, इसको लेकर क्या कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, लोगों को लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, उनको मास्क हमेशा प्रॉपर पहनना चाहिए और दूरी का पालन करना चाहिए, और इसके लिए दिल्ली सरकार की लगातार गाइडलाइंस भी है। और धीरे धीरे जो दिल्ली को अनलॉक किया गया है वो इसलिए किया गया ताकि दिल्ली धीरे धीरे खुले अनलॉक की तरफ बढ़े, और हम दिल्ली के अंदर हमने ड्राइव बहुत अच्छी शुरू की है, जहां पर वोट वहां पर वैक्सीन, आपने वो ड्राइव के बारे में सुना होगा। हम चाहते हैं ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो पाए, जितने ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो पाएगा हम इस वेव से बच पाएंगे, और हम लोगों को भी इसलिए प्रेरित कर रहे हैं, और लोगों से भी कह रहे हैं वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम जितनी ज्यादा वैक्सीन लगवा पाएंगे लोगों के। आज दिल्ली के अंदर 45 प्लस के लोगों को हम वैक्सीनेशन ड्राइव के थ्रू उनको वैक्सीनेशन की तो बात हमने की, लेकिन हम लापरवाहियों का जिक्र कर रहे थे, जो मार्केट प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनमें जो लापरवाहियां हो रही हैं ये भी घातक साबित हो सकती हैं, इसको रोकने के लिए भी इंतजाम आप ही को करने होंगे। साबित हो सकती है, और लोगों को बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, लोगों को प्रॉपर मास्क पहनना चाहिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, ये भी एक बचाव, हम इससे बचाव कर सकते हैं। लोग अगर लापरवाही इस प्रकार से करेंगे तो मुझे लगता है कि स्थिति वापस वहीं पहुंच जाएगी, तो लोगों को कम से कम ये बात समझना चाहिए कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क का प्रॉपर यूज करना चाहिए, और मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस भी है, और जो आपने कहा कि चलान दिल्ली पुलिस दिल्ली में कर रही है। मनोज यादव जी, कोई सजेशन है आपका, क्या होना चाहिए लापरवाहियां ताकि ना हो, कम से कम लापरवाहियों की वजह से संक्रमण ना बढ़े, वैसे भी थर्ड वेव का खतरा है। देखिए देखिए समीर जी, निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज की है, क्योंकि समाज को समझना है कि ये जो गाइडलाइन है, जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं, वो हमारी जान की सुरक्षा के लिए है। ये सरकार जो भी कर रही है आपके लिए कर रही है, आपके हित के लिए कर रही है, तो निश्चित रूप से लोगों को अपनी जान माल की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, कम से कम सावधानी बरतना चाहिए। देखिए मास्क जरूर लगाना चाहिए, प्रॉपर मास्क लगाना चाहिए, और गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। इस समीर जी विषय यह है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के हमारे भाई साहब कुलदीप जी बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी थर्ड वेव के अंदर बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, ये बताइए कि सेकेंड वेव में क्यों सोते रहे, सेकेंड वेव में क्यों नहीं जागे वो? अभी वो देख रहे हैं, हम अक्सर देख रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट में वो टहलते हुए विजुअल्स आ रहे हैं उनके, जब ऑक्सीजन भारत सरकार दे रही थी तो कैपेसिटी नहीं थी। नहीं, ये सवाल तो आपसे भी है ना, लेकिन फिर मनोज जी, अरविंद केजरीवाल से भी है, आपसे भी है कि क्यों नहीं जागे सेकंड वेव में, इतनी तबाही क्यों मची, क्यों मची, आप लोग पहले से क्यों तैयार नहीं हुए, वो भी तब जबकि सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि सेकंड वेव आएगी और भीषण आएगी। ऐसा है समीर जी, जिस तरह से दिल्ली के अंदर केवड़ा मॉडल दिया गया, घर घर शराब पहुंचाने का मॉडल दिया गया, इनका एक मेरे पास है मैनिफेस्टो है आम आदमी पार्टी का, कुलदीप जी जानते होंगे, देखा होगा कि नहीं देखा होगा, इसमें लिखा लंदन मॉडल की बात करते हैं, पेरिस मॉडल की बात करते हैं, केवड़ा मॉडल तो दिल्ली को दिया जा रहा है, घर घर में शराब पहुंचाने की बात हो रही है, बच्चे इंतजार करते हैं, कॉपी आएगा, पेन आएगा, कुछ सामान आएगा, यहाँ पर दारू पहुंचाई जा रही है, कौन सा मॉडल है? वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड लागू नहीं किया जा रहा, 80,000 करोड़ लोगों को जो 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल जो भारत सरकार दे रही है, देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है उसके उसको लागू नहीं किया जा रहा है, और ये होल्ला क्लिनिक जो चलाया था उस पर 1,000 करोड़ रुपए जो खर्च हुए थे उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर तो अदालत ने भी सवाल किया है और ये कहा है कि आपको ये योजना लागू करनी होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।